हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी या जवाबदेही गवर्नर जनरल की थी, लेकिन गवर्नर जनरल की पावर्स थी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड। मतलब ये जितना पावरफुल दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी एक्ट को पास करने के लिए उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की सहमति लेनी होती थी, क्योंकि एक्ट पास किया जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेजॉरिटी डिसीजन के बेसिस पर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेती थी काउंसिल, लेकिन उस डिसीजन की जवाबदेही गवर्नर जनरल की होती थी। तो ये एक ड्रॉबैक था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी थी वो ये कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। लेकिन किन विषयों पर वो गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और किन विषयों पर उन्हें गवर्नर जनरल पर डिपेंडेंट होना होगा या उसकी परमिशन लेनी होगी, इसकी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। इसका एक्चुअली बहुत बुरा असर पड़ रहा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। कभी कभी ये परमिशन लेना है या नहीं लेना है वाले मामले इतने उलझे हुए होते थे कि अच्छे अच्छे लोगों के सर में दर्द हो जाए और कोई आम आदमी हो तो खड़े खड़े गिर जाए। इसके अलावा एक और दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट भी बनाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ काम करेंगे, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे को खाने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और इन मामलों को कौन सुलझाएगा इसका तो कोई पता नहीं था। होता क्या था कि गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट पास करते थे या बिल पास करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रजिस्टर करने से मना कर देता था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की भनक लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक भी पहुंच चुकी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक दो एक्ट्स बनाए गए। पहला था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। हुआ क्या कि 1777 तक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गवर्नर जनरल ने इस बात की शिकायत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखा कि इस सिचुएशन में तो भैया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी काम करना मुश्किल है। इस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था टॉचेट कमेटी। टॉचेट कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पर ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर को क्लियरली डिफाइन और डिवाइड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला ये किया गया कि रेवेन्यू से जुड़े हुए सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ये सारे मामले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही हैंडल करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि देखो भाई, इस बात का ख्याल रखो कि इंडियन लोग जो हैं, जो इंडियन नेटिव्स लोग हैं, उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनसे छेड़छाड़ मत करो। मतलब मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉज को मान्यता मिले और हिंदू लोगों के लिए ट्रायल करने के लिए हिंदू लॉज को प्रयोग किया जाए। इस एक्ट को अगर मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो इसने मेनली गवर्नर जनरल काउंसिल को फेवर किया और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर इस्टेब्लिश कर दिया। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की दूसरी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।